हे गाइस, वेलकम टू एडुकेटर बग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम फाइलम एनेलिडा में रखे गए एक ऑर्गेनिज्म नेरिस के बारे में स्टडी करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फाइलम एनेलिडा के जनरल करेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेरिस को हम क्या कहते हैं, कॉमनली क्लैम वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। क्लैम वॉर्म क्यों कहते हैं हम इसको, क्योंकि ये सैंड में, रेत में बिल बना करके रहता है। बिल बना करके रहेगा किसके साथ? क्लेम्स के साथ। क्लेम्स क्या होती हैं? सीप होती है। तो क्लैम वॉर्म हमें नेरिस को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये रेत में, सैंड में बिल बना करके रहता है। किसके साथ? क्लेम्स के साथ। और क्लेम्स क्या है? क्लेम्स को हम क्या कहते हैं, सीप। सीप कहते हैं, जो कि एक टाइप की शेलफिश होती है, जिसे जो ईटेबल हैं। नेरिस को हम कॉमनली क्या कहते हैं, क्लेम वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहते हैं इसको क्लेम वॉर्म? क्योंकि ये रेत में बिल बना करके रहता है। और किसके साथ? क्लेम्स के साथ। क्लेम्स क्या होती हैं? सीप होती है, जो कि एक टाइप की ईटेबल शेलफिश होती हैं। तो इसी वजह से हम नेरिस को क्या कहते हैं, क्लेम वॉर्म कहते हैं। इसका सबसे पहले हम सिस्टमैटिक पोजीशन देख लेते हैं। नेरिस को फाइलम एनेलिडा में रखा गया है। फाइलम एनेलिडा के जनरल करेक्टर्स को हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन यहाँ पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो फाइलम एनेलिडा के जो करेक्टर्स हैं वो हैं, इनमें जो मेंबर्स रखे गए हैं फाइलम एनेलिडा में या नेरिस की बात करें अगर हम, तो इनमें ज़्यादातर कैसे होते हैं, मोस्टली एक्वाटिक होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं टेरेस्ट्रियल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो रेत में बिल बना करके रहते हैं। ये हम सभी मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो फाइलम एनेलिडा में रखे गए हैं। पर नेरिस क्या है, एक बोरोविंग एनिमल है। ये सैंड में बिल बना करके रहता है। इसे क्लास पॉलीचीटा में रखा गया है, सब क्लास इरेंटिया, जीनस क्या है नेरिस, और स्पीशीज़ क्या है वायरेंस। ये आप ध्यान रखेंगे कि जो जीनस है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, और इसको अंडरलाइन करना होता है ज़रूर। और जो स्पीशीज़ का नाम है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होना चाहिए, और इसको भी हम अंडरलाइन करते हैं, ठीक है ना। जब भी आप कॉपी में राइट करेंगे किसी जीनस या स्पीशीज़ का नेम, तो उसके नीचे अंडरलाइन ज़रूर करेंगे। ये किसके, ICZN के रूल के अकॉर्डिंग है। यह हमने डिस्कस कर लिया नेरिस का सिस्टमैटिक पोजीशन। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इसका हैबिट एंड हैबिटेट, कहाँ पर ये रहता है। नेरिस इज कॉमनली नॉन एज क्लेम वॉर्म। हमने देखा नेरिस को कॉमनली हम क्या कहते हैं, क्लेम वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेत में बिल बना करके रहता है। किसके साथ? क्लेम्स के साथ। क्लेम्स क्या है? सीप होते हैं। It is found on sandy shores and most of the time it lies in U-shaped burrow in sands. यह हमको कहाँ देखने को मिलता है? यह हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं? सैंडी शोर्स में देखने को मिलते हैं, या ज़्यादातर ये यू शेप्ड की बिल बना करके रहते हैं। कहाँ पर? रेत में। द म्यूकस सिक्रेटेड बाई इट्स बॉडी वॉल बाइंड्स द सैंड पार्टिकल टुगेदर। इसकी जो बॉडी वॉल है उसके थ्रू क्या सिक्रेट होता है, म्यूकस सिक्रेट होती है, जो कि क्या करती है, सैंड के पार्टिकल्स को बाइंड करने में हेल्प करती है, जिससे ये क्या करता है, इसको बिल बनाने में या बोरो बनाने में हेल्प मिलती है। जोज आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग बोरोज। इनमें जोज हैं वो भी इनको क्या बनाने में हेल्प करते हैं, बोरोज बिल बनाने में हेल्प करते हैं। नेरिस इज नॉक्टर्नल एंड कार्निवोरस। नेरिस क्या है, नॉक्टर्नल एनिमल है। नॉक्टर्नल एनिमल कहने का मतलब है ये क्या निकले, रात को निकलेगा, रात को खाने के लिए बाहर निकलता है और दिन में नहीं निकलता, ठीक है ना। रात को खाने के लिए निकलेगा और क्या होता है, ये कार्निवोरस होता है। अब हम डिस्कस करेंगे नेरिस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या उसके स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले आ जाता है शेप एंड साइज। इसका शेप कैसा होगा नेरिस का, और साइज कितना होता है। बॉडी इज़ elongated, cylindrical and bilaterally symmetrical, somewhat broad anteriorly and tapering posteriorly. बॉडी को देखें
नेरिस, ये क्या है, नेरिस ही, नेरिस का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। इसकी बॉडी को देखिए कैसी दिख रही है हमको, इलोंगेटेड दिख रही है, सिलेंड्रिकल देखने को मिल रही है, और ये कैसी है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। बाइलेटरली सिमेट्री का मतलब होता है अगर हम इसकी बॉडी को बीच से एक सिंगल प्लेन से कट करेंगे तो इसकी जो बॉडी है दो इक्वल हाफ में कट हो जाएगी। तो बाइलेटरली सिमेट्री को शो कर रही है सम वॉट ब्रॉड एंटीरियरली। अगर हम इसका एंटीरियर वाला एंड देखें तो ये कैसा है, ब्रॉड है, चौड़ा है, जबकि जो पोस्टीरियर जो इसका जो एंड है वो हमें कैसा देखने को मिल रहा है, टेपरिंग या नुकीला देखने को मिल रहा है। इट इज़ डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। इसकी जो बॉडी है वो डोर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस दोनों सरफेस पे कैसी होती है, फ्लैटेंड होती है, चपटी होती है। द डोर्सल सरफेस इज कॉनवेक्स बट वेंट्रल फ्लैट। इसका जो डोर्सल सरफेस है वो कॉन्वेक्स होता है जबकि जो वेंट्रल सरफेस है वो फ्लैट होता है। द साइज वेरीज फ्रॉम अ फ्यू टू अबाउट 40 सेंटीमीटर और इवन मोर। इनका जो साइज़ है वो वेरी करता है, कुछ का साइज़ क्या हो सकता है, 40 सेंटीमीटर भी हो सकता है, या कुछ स्पीशीज ऐसी हो सकती हैं जिनका जो साइज़ है 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी हो सकता है, तो इनका जो साइज़ है वो वेरी करता है। नेक्स्ट है कलर, इनका कलर क्या होता है, डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ नेरिस आर ऑफ डिफरेंट कलर। नेरिस के जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उनका जो कलर है वो डिफरेंट होता है। द कलर मे बी रेडिश ब्राउन और डार्क ब्राउन। अगर हम इनके कलर को देखें तो ये क्या हो सकता है, रेडिश ब्राउन भी हो सकता है इनका कलर, या डार्क ब्राउन भी हो सकता है। सेगमेंटेशन, बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड डिवाइडेड इंटू अप्रॉक्सीमेटली 200 टू मोर सेगमेंट्स ऑन मेटामेयर। जो नेरिस है उसकी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है, एक के बाद एक सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं ये हम देख सकते हैं, इसकी जो बॉडी है वो सेगमेंटेड है। और नेरिस की जो बॉडी है वो कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है, सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, और इसकी जो बॉडी है वो लगभग 200 या 200 से ज़्यादा सेगमेंट से मिलकर भी बनी होती है। दीज आर मार्क्ड एक्सटर्नली बाई ग्रूव्स एंड इंटरनली बाई सेप्टा। ये जो सेगमेंट्स हैं ये बाहरी तरफ से किसके थ्रू मार्क्ड होते हैं, ग्रूव्स, ग्रूव्स के थ्रू ये मार्क्ड रहते हैं, हम देख सकते हैं ये सेगमेंट्स में डिवाइड है। और इंटरनली ये किससे क्या होते हैं, हम मार्क्ड होते हैं, सेप्टा से मार्क्ड होते हैं। ऑल द सेगमेंट्स आर अलाइक एक्सेप्ट द लास्ट विच इज समवॉट राउंडेड। सभी के सभी सेगमेंट्स कैसे हैं, एक जैसे हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन जो लास्ट का जो सेगमेंट है वो कैसा होता है, राउंडेड हमें देखने को मिलता है। इट इज़ नोन एज टेल सोमाइट और पाइयम एंड कैरीज अ पेयर ऑफ एनल सीराई। जो लास्ट वाला सेगमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, टेल सोमाइट या पाइगीडियम कहते हैं, और इस पर क्या प्रेजेंट रहते हैं, एक पेयर एनल सिराही का प्रेजेंट रहता है, जैसा कि हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं एनल सिराही का एक पेयर प्रेजेंट है। एनस इज टर्मिनल, और एनस जो है बिल्कुल टर्मिनल पे प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट है डिविज़न ऑफ बॉडी। नेरिस की बॉडी को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द बॉडी ऑफ नेरिस इज डिविजिबल इंटू हेड, ट्रंक एंड पाइलीडियम। जो नेरिस है उसकी बॉडी को हम हेड में, ट्रंक में और पाइलीडियम में डिवाइड करते हैं, तो एक एक करके हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है हेड, इट लाइज एट द एंटीरियर एंड एंड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। जो हेड है वो एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट रहता है और ये दो पार्ट्स से मिलकर बना होता है। कौन कौन से पार्ट से मिलकर बनाता है, प्रोस्टोमियम, जो पहला पार्ट है वो क्या कहलाता है, प्रोस्टोमियम कहलाता है। ये इसके माउथ को यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है। प्रोस्टोमियम, इट इज़ ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर डैट लाइज इन फ्रंट ऑफ माउथ। प्रोस्टोमियम की अगर हम बात करें तो ये इसका जूम इमेज है, ये क्या है, प्रोस्टोमियम प्रेजेंट है। ये क्या है, इसका प्रोस्टोमियम वाला रीजन है, ये कैसा है, ट्राइंगुलर है। कैसा ये ट्राइंगुलर, हम इसको रब करके मैं अच्छे से दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखें अगर हम, ये क्या है, प्रोस्टोमियम प्रेजेंट है, ये कैसा है, ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर है, और बिल्कुल माउथ के बिल्कुल फ्रंट में प्रेजेंट रहता है ये। इट कैरीज टू पेयर्स ऑफ आईज, अ पेयर ऑफ प्रोस्टोमियल टेंटिकल्स। ये जो प्रोस्टोमियम है जो कि कैसा है, ट्रायंगुलर है, इस पर क्या प्रेजेंट रहते हैं, दो पेयर्स, यह हमें दो पेयर्स
वन पेयर एंड टू पेयर, दो पेयर से आईज प्रेजेंट रहेंगी और एक पेयर इसका प्रेजेंट रहेगा प्रोस्ट्रोमियल टेंटिकल्स पे प्रेजेंट रहता है। अ पेयर ऑफ पाल्प्स एंड नकल ऑर्गन्स, और साथ साथ में इनमें क्या एक पेयर किसका प्रेजेंट रहता है, पाल्स का प्रेजेंट रहता है और एक पेयर किसका होता है, नकल ऑर्गन्स का प्रेजेंट रहता है। प्रोस्ट्रोमियम कहता है ट्रायंगुलर होता है और इस पे क्या प्रेजेंट रहती है, दो पेयर आइज प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है ना, और एक पेयर क्या प्रेजेंट रहता है, प्रोस्ट्रोमियल टेंटिकल प्रेजेंट रहते हैं और एक पेयर किसका प्रेजेंट रहता है, प्रोस्ट्रोमियल पाप्स एंड नकल ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है किसका, हेड का, क्योंकि हमने जो हेड है वो दो पार्ट से मिलकर बना है, एक है प्रोस्ट्रोमियम और एक है पेरिस्ट्रोमियम। पेरिस्ट्रोमियम इट इज़ रिप्रेजेंट फ्यूज्ड फर्स्ट एंड सेकंड सेगमेंट एंड डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर सेगमेंट्स बाय द प्रेजेंस ऑफ माउथ। जो पेरिस्ट्रोमियम है ये किससे मिलकर बना होता है, जो फर्स्ट और जो सेकंड सेगमेंट्स है बॉडी में वो क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज होकर के किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, ये पेरिस्ट्रोमियम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ये जो पेरिस्ट्रोमियम है वो जितने भी बाकी बॉडी के जो जितने भी दूसरे सेगमेंट्स से, हैं उनसे सेपरेट अलग किस लिए, किस वजह से हम इसको डिस्टिंग कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये पेरिस्ट्रोमियम है, क्योंकि इस पर क्या प्रेजेंट होता है, माउथ प्रेजेंट रहता है। ये हम देखें ये क्या है, पेरिस्ट्रोमियम प्रेजेंट है, ये एक ही एक और दो सेगमेंट्स के फ्यूज होने से बनता है, और ये जो पेरिस्ट्रोमियम है ये दूसरे सेगमेंट से इसलिए अलग है क्योंकि इसके पास भी क्या प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर माउथ प्रेजेंट रहता है, इसके अबाव में माउथ प्रेजेंट रहता है। इट कैरीज फोर पेयर्स ऑफ पेरिस्ट्रोमियल सीराई, ये जो पेरिस्ट्रोमियम है पेरिस्ट्रोमियम पे चार पेयर किसके प्रेजेंट होते हैं, पेरिस्ट्रोमियल सीराई प्रेजेंट रहते हैं। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये चार पेयर, ठीक है ना, ये देख सकते हैं ये 1 2 3 4 फोर पेयर्स इस पे क्या प्रेजेंट है, पेरिस्ट्रोमियल सीराई प्रेजेंट है, पेरिस्ट्रोमियल टेंटिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, जो हेड है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, किसके, प्रोस्ट्रोमियम और पेरिस्ट्रोमियम। प्रोस्ट्रोमियम कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है और क्या बिल्कुल माउथ के फ्रंट में प्रेजेंट रहता है ये, ठीक है ना, इस पे क्या प्रेजेंट रहते हैं, दो पेयर आइज की प्रेजेंट रहती हैं, एक पेयर किसका प्रेजेंट रहता है, प्रोस्ट्रोमियल टेंटिकल्स और एक पेयर प्रोस्ट्रोमियल पार्स इन पे प्रेजेंट रहते हैं। फिर जो नेक्स्ट जो पार्ट है हेड का वो क्या है कहलाता है, पेरिस्ट्रोमियम कहलाता है, जो कि प्रोस्ट्रोमियम के बिल्कुल पीछे प्रेजेंट रहता है और ये जो फर्स्ट और जो सेकंड सेगमेंट है उसके फ्यूज होने से बनता है, ठीक है ना। इस पे क्या प्रेजेंट रहते हैं, चार पेयर पेरिस्ट्रोमियल टेंटिकल्स या सीराई प्रेजेंट रहते हैं, और पेरिस्ट्रोमियम को बॉडी के दूसरे सेगमेंट से हम क्या सेपरेट किस वजह से कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, माउथ प्रेजेंट रहता है, तो इससे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं या पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रंक, इट कंप्राइजेज द एंटायर बॉडी एक्सेप्ट हेड एंड इज फॉर्म्ड ऑफ 80 to 200 सेगमेंट्स। हमने देखा हमने इसकी बॉडी को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया, हेड ट्रंक एंड पाइडियम। हेड को डिस्कस कर लिया आपने, हेड को छोड़ करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा सभी रीजन क्या कहलाता है, इसका कहलाता है ये ट्रंक वाला रीजन कहलाता है, और इनमें 80 to 200 सेगमेंट्स ये प्रेजेंट रहते हैं। ईच सेगमेंट इज ब्रॉडर देन बीइंग लॉन्ग एंड बियर अ पेयर ऑफ पैरापोडिया ऑन इट लेटरल साइड। जो हर एक सेगमेंट है, हर एक सेगमेंट कैसा होता है, उसकी जो चौड़ाई है उसकी लंबाई से ज़्यादा होती है, मतलब उसकी चौड़ाई ज़्यादा है लेकिन उसकी जो लेंथ है, लंबाई जो है वो कम होती है हर एक सेगमेंट की, और हर एक सेगमेंट में एक पेयर पैरापोडिया प्रेजेंट रहता है उनके लेटरल साइड पर। यहाँ हम देख सकते हैं ये हर एक सेगमेंट पर क्या प्रेजेंट है, एक पेयर पैरापोडिया का प्रेजेंट है। पैरापोडिया क्या है, पैरापोडिया इनको लोकोमोशन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है पाइगीडियम, दिस इज़ रिप्रेजेंटेड बाई द लास्ट बॉडी सेगमेंट। जो लास्ट वाला जो बॉडी का सेगमेंट है वो क्या कहलाता है, पाइगीडियम कहलाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेल और एनल सेगमेंट। ये इट बियर्स अ टर्मिनल एनस सेवरल माइन्यूट सेंसरी पेपिली। ये जो लास्ट वाला सेगमेंट है, ठीक है ना, इस पर क्या प्रेजेंट रहता है, एनस प्रेजेंट रहती है और कुछ छोटे छोटे सेंसरी पेपिली भी इस पर प्रेजेंट रहते हैं।
नेक्स्ट है पैरापोडिया। पैरापोडिया हमने डिस्कस करा कि जो हर एक सेगमेंट के लेटरल साइड पे क्या प्रेजेंट है, एक पेयर, ठीक है ना, एक इधर एक पेयर क्या प्रेजेंट रहेगा, पैरापोडिया प्रेजेंट रहता है। और ये इनको लोकोमोशन में हेल्प करता है और क्या नाम है, स्विमिंग करने में भी हेल्प करता है। ईच ट्रंक सेगमेंट एक्सेप्ट द पेरिस्टोमियम एंड पाइडियम कैरीज लेटरली अ पेयर ऑफ डोर्सोवेंट्रली फ्लैट एंड होलो फ्लैप्स, दीज आर कॉल्ड पैरापोडिया। पैरापोडिया हेल्प इन स्विमिंग। पेरिस्टोमियम और पाइगेडियम को छोड़ करके जितने भी सेगमेंट्स हैं, ये जो ट्रंक वाले रीजन में जितने भी सेगमेंट्स आ रहे हैं, इनमें क्या प्रेजेंट रह रहा है, हर एक सेगमेंट में एक पेयर पैरापोडिया का प्रेजेंट। पैरापोडिया क्या होते हैं, डोसो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, मतलब डोसल और वेंट्रल सर्फेस से ये चपटे होते हैं, होलो फ्लैप्स होते हैं, और इन्हें ही हम क्या कहलाते हैं, पैरापोडिया ये कहलाते हैं। ये जो पैरापोडिया हैं ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं। स्विमिंग में क्यों हेल्प करेंगे, जब जो पैरापोडिया है हमने देखा ये क्या कहते हैं, बिल बना करके रहता है, जब इनका जो ब्रीडिंग सीजन आएगा तो ये क्या करेगा, स्विम क्या नाम है, वाटर के अंदर चला जाएगा और वहाँ पे स्विम करता है। और किसके थ्रू स्विम करता है, ये पैरापोडिया के थ्रू स्विम करता है। तो पैरापोडिया किस में हेल्प करेंगे, स्विमिंग में भी हेल्प करते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बॉडी वॉल या मस्कुलेचर। नैरिस की बॉडी वॉल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ फोर लेयर्स, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, मस्कुलेचर एंड पेरिटोनियम। जो नैरिस है उसकी जो बॉडी है, बॉडी की जो वॉल है वो चार लेयर से मिलकर बनी होती है। वो क्या कौन कौन से लेयर हैं, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, मस्कुलेचर और पेरिटोनियम। एक एक करके हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट लेयर है जो बॉडी वॉल का फॉर्मेशन कर रही है, क्यूटिकल, इट इज़ द आउटर मोस्ट थिन टफ लेयर। जो क्यूटिकल है उसकी बॉडी की सबसे आउटर मोस्ट वाली लेयर है। ये कैसी होती है, पतली होती है और टफ होती है, पतली थिन, टफ मतलब टफ होती है, टफ कहने का मतलब है हार्ड होती है। इट इज़ परफोरेटेड बाय न्यूमेरस माइन्यूट ओपनिंग्स ऑफ एपिडर्मल ग्लैंड सेल्स। क्यूटिकल पे क्या प्रेजेंट रहती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी एपिडर्मल ग्लैंड सेल की ओपनिंग होती हैं। नेक्स्ट जो लेयर है बॉडी वॉल की वो है एपिडर्मिस, इट लाइज बीनीथ क्यूटिकल। ये बिल्कुल क्यूटिकल के नीचे प्रेजेंट रहेगी। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ टेल, कॉलमनार सपोर्टिंग सेल एंड सम स्कैटर्ड ग्लैंडुलर एंड सेंसरी सेल्स। जो एपिडर्मिस है वो क्या होती है, उसमें क्या प्रेजेंट रहती है, कॉल्यूमनर सपोर्टिंग सेल्स, कुछ क्या नाम है, ग्लैंडुलर और कुछ सेंसरी सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है ना। जो एपिडर्मिस है वो किसके नीचे प्रेजेंट है, बिल्कुल किसके नीचे प्रेजेंट है, क्यूटिकल के नीचे प्रेजेंट है। और जो एपिडर्मिस है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, कॉल्यूमनर सपोर्टिंग सेल्स, कुछ ग्लैंडुलर और कुछ सेंसरी सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। एपिडर्मल ग्लैंड सेल्स सिक्रीट म्यूकस। इनमें जो एपिडर्मल ग्लैंड जो सेल्स होती हैं वो क्या सिक्रीट करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। और म्यूकस क्या करती है, हमने अभी डिस्कस करा था पीछे, वो सैंड के पार्टिकल्स को के बाइंड करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट जो लेयर है वो है मस्कुलेचर। नैरिस हैज अ वेल डेवलप्ड मस्कुलेचर कंसिस्टिंग ऑफ सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल एंड ऑब्लीक मसल्स। नैरिस में क्या प्रेजेंट रहता है, वेल डेवलप्ड मस्कुलेचर प्रेजेंट रहती है। और ये जो मस्कुलेचर है इनमें क्या, ये किससे मिलकर के बनी होती है, सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल और ऑब्लिक मसल्स के थ्रू मिलकर के ये बनी होती है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया है, मस्कुलेचर नाम दिया गया है। दीज आर कंपोज ऑफ अनस्ट्रिप्ड मसल्स फाइबर्स। नेक्स्ट जो लेयर है वो है पेरिटोनियम। मसल्स आर लाइन इंटरनली बाय अ थिन लेयर ऑफ सिलोमिक एपिथेलियम और पेरिटोनियम। जो मसल्स है वो अंदर की तरफ से किससे घिरी रहती हैं, सिलोमिक एपिथेलियम जिसे हम पेरिटोनियम भी कह रहे हैं, उसकी पतली लेयर के थ्रू क्या रहती हैं, सराउंडेड रहती हैं या लाइंड रहती हैं। इट सिक्रीट द सिलोमिक फ्लूड। ये जो पेरिटोनियम है वो किसका सिक्रेशन करती है, सिलोमिक फ्लूड का सिक्रेशन करती है। और ये सभी चारों की चारों जो लेयर हैं वो किसका फॉर्मेशन कर रही हैं, नैरिस की पूरी बॉडी वॉल का फॉर्मेशन करती हैं। तो गाइस आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया नैरिस का सिस्टमैटिक पोजीशन, हैबिट एंड हैबिटेट, उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, उसकी बॉडी वॉल को हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मैं जब भी कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अपनी स्टडी को अच्छे से करें। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। These brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want one?